अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू अमृत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर मिस हसीन फातिमा। आई होप यू आर ऑल गोइंग गुड। टुडे इज मंडे, सो वी स्टार्ट विद अ न्यू नंबर। लेट अस साउंड एन अल्फाबेट एच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द मॉर्निंग सेशन। वी डू द रेसिटेशन ऑफ सूरह हम बिफोर वी स्टार्ट विद द थाउजेंड तस्मिया, देन विद द रेसिटेशन ऑफ सूरह हम, सूरह इखलास, सूरह असर, सूरह कौसर एंड सूरह नसर। Then we will do the recitation of pehla and dusra kalma. Then we have some masnoon duaen, khana khane se pehle ki dua, baad ki dua, baitul khala mein dakhil hone ki dua. Okay, masnoon duaen padhenge hum, uske baad khana khane se pehle ki dua, baad ki dua, doodh peene ki dua, safar ki dua, baitul khala mein dakhil hone ki dua, bahar nikalne ki dua. Aaj humne islamic question answers kiye hain, kuch naye question answers maine include kiye hain aapki मॉर्निंग सेशन में। देन वी हैव सम जीके क्वेश्चंस एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री, बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल लैंग्वेज, गेम, एनिमल, बर्ड ऑफ पाकिस्तान, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी सीजन्स, हाउ मेनी मंथ्स एंड व्हाट इज़ द कलर, हाउ मेनी कलर्स डज रेनबो हैव एक्स्ट्रा। ओके जी, उसके बाद हम तो इंग्लिश लेसन में आएंगे। आज हम ग्रास लेटर का इंट्रोडक्शन करेंगे। दिस इज़ योर इंग्लिश कॉपी, फॉनिक प्रैक्टिस कॉपी 2B। So open page number 115. This is the grass letters and the instruction of the grass letters are, grass letters start with the second line and the third line. The letter which comes between these two lines, second and third, these are called the grass letters. So you have to write grass letters and color them and just these two lines. Okay, so it will be prominent that these are the grass letters. Start with a, k, a, n, n, n. A, er, s, a, v, w, s, ठीक है, दीज आर द ग्रास लेटर्स। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज लेटर्स। 115 इज योर क्लास वर्क एंड 116 इज योर होमवर्क। नाउ इट्स टाइम फॉर द मैथ्स बुक एंड कॉपी, सो ओपन योर मैथ्स कॉपी। ओके, दिस इज योर मैथ्स कॉपी, कॉपी 2B, ओपन पेज नंबर 53। Today we start with the new number, that is 71 till 80. So you have to do practice of 71 till 80, 71, 71, 72, 72, like this till 80, 80. So you have to do page number 53 in your classwork and 54 in your homework. These two pages you have to done in your classwork and homework. इसमें मीन वाइल हमने आप लोग का इंग्लिश का टेस्ट भी लिया था। फर्स्ट लेटर साउंड जो सर हमने एल और खा से स्टार्ट किया था, वहाँ से अब तक जितने भी लेटर साउंड हमारे कवर्ड हुए उसका मैंने टेस्ट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई एम वेरी हैप्पी विद देम एंड आई थैंकफुल टू द पेरेंट्स टू, यू नो वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। और थैंक यू सो मच माई लवली स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया मुझे। ठीक है, मैथ्स के बाद हमारी बारी आती है उर्दू की। आज जो नया हरूफ तहजी हमने इंट्रोड्यूस कराया है वो मैं आपको बताती हूँ जी। ये आपकी उर्दू का कायदा है, आओ कायदा पढ़ें। इसका सफ़ा नंबर ओपन करेंगे आप 37, जहाँ हमारे पास दिया हुआ है ज़ोएं। आप देख सकते हैं यहाँ ज़ोएं से हमारे पास ज़्यादा वर्ड स्टार्ट नहीं होते हैं, तो कुछ वोकैबुलरी उन्होंने दी हुई है जो कि आपकी हेल्प करेंगी। दिस इज़ ज़ोएं से ज़रूर, ज़ोएं से ज़ोहर, ज़ोएं से ज़ालिम। ठीक है, ये आपकी बुक में दी हुई थी वोकैबुलरी। फिर आप उर्दू की अमनी किताब ओपन करेंगे। दिस इज़ योर उर्दू की अमनी किताब, मेरी उर्दू की किताब। ठीक है, पहले मेरी उर्दू की किताब में आप करेंगे काम, उसके बाद आप उर्दू की अमनी किताब में काम करेंगे। ये आप लोग को दिया हुआ है यहाँ ज़ोए से ज़रूर, आपको ज़ोए पे हाथ फेरना है यहाँ पे। उसके बाद पेज नंबर 72 और पेज नंबर 75 आप लोगों का क्लास वर्क है, ज़ोए से ज़रूर, ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता। ठीक है, जैसे तोएँ आप लोग को लिखना बताया तो सर आप ज़ोए लिखेंगे। सो पेज नंबर 72 एंड 75 इज़ योर क्लास वर्क। और इसी तरह कॉपियाँ हैं आप लोग की ये वाली, ठीक है, उर्दू की अमली किताब। इसका सफ़ा नंबर 53 आप लोगों का होमवर्क है और 54 आप लोगों का होमवर्क है। टू पेजेस आपको क्लास वर्क दिए, टू पेजेस होमवर्क दिए। इसके अलावा जो आज हम लोगों ने कवर किया था वो थी हमारी फोनिक रीडर। दिस इज़ योर फोनिक रीडर। ठीक है, फोनिक रीडर में हम लोग पेज नंबर 8 जो है मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है। ठीक है जी,
और जो आज हमने पढ़े थे, आज हमने ओजी वर्ड्स, ओडी वर्ड्स एंड ओटी वर्ड्स एंड ओपी वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है जी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप साउंड्स के साथ पढ़ेंगे, एल ओ ग लॉक, ठ ओ प टॉप, ख ओ ट कॉट, र ओ ट, ड ओ ग डॉग, म ओ प मॉप, ह ओ ट हॉट, ठीक है। 6 और 7 पे आपको मैंने रीडिंग कराई थी पिक्चर्स के साथ, और आप लोगों को लर्न करने के लिए दिया था ब्लेंडिंग ऑफ साइंस, रीड अलाउड एंड प्रैक्टिस विद द ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स। दिस इज़ पेज नंबर 8, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। फोनिक रीडर, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू तीनों का होमवर्क क्लास वर्क मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सी यू, अल्लाह हाफिज़।